Hey guys, my name is Zahra. This is my next video on calculus. आज का मेरा टॉपिक है डेरिवेटिव एज ए फंक्शन. डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैलकुलस. अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के जो मेन वन ऑफ द बेसिक टूल है वो डेरिवेटिव है. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और इंटीग्रल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना होगा. और इन्हीं को खोल खोल के हम देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनको किस तरह एवेल्यूएट करते हैं, वो चीज़ें हमें किस बारे में क्या क्या बताती हैं. तो यही एक्चुअली में कैलकुलस सब्जेक्ट है होता है. इन चीज़ों को समझने के लिए हमने लिमिट का टॉपिक किया था, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है. सो बेसिक कंसेप्ट अगर मैं आपको डेरिवेटिव को बताऊँ तो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस का वन ऑफ द बेसिक टूल है. सेकेंडली, डेरिवेटिव करता है क्या, डेरिवेटिव हमें बताता है क्या, हम डेरिवेटिव यूज़ क्यों करते हैं. डेरिवेटिव एक्चुअली में हमें बिहेवियर बताता है किसी फंक्शन का, जब वो फंक्शन चेंज हो रहा हो सकता है एक हमारे पास पॉइंट हो जिस पर हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना, हो सकता है मैंने दो पॉइंट से फंक्शन का बिहेवियर चेक करना. तो मैंने अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन के उनका बिहेवियर चेक करना है कि ये फंक्शन किस तरह इस पॉइंट पे किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो रेट एक्चुअली हमें डेरिवेटिव के थ्रू पता चलता है. थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट. ये पॉइंट मैंने इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट में लिखा है क्योंकि हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन डिराइव इस पॉइंट से करेंगे. स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट, हम अगर डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना तो डेरिवेटिव एक्चुअली में हमें, अगर हमने डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करना है तो हमें स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट पहले अंडरस्टैंड करनी होगी, फिर हमें डेरिवेटिव की भी समझ आ जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट. अगर हमने किसी कर्व की स्लोप किसी पॉइंट पे चेक करें तो वो भी तो हमें उसका रेट ऑफ चेंज ही बता रही है ना कि फंक्शन किस तरह अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है. तो सबसे पहले तो हम एक रफली सा एक ग्राफ ले लेते हैं इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए. ये ग्राफ की एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और मेरे पास एक ग्राफ है. लेट्स सपोज दिस, यहाँ पे पॉइंट है पी, यहाँ पे पॉइंट है कोई क्यू. इस ग्राफ का पी पॉइंट जिस इस ग्राफ में है, अगर मैं उसको एक्स एक्सिस पे देखना चाहूँगी किस पॉइंट पे है पी, तो वो लेट्स सपोज एक्स पॉइंट पे है. सिमिलरली अगर मैं क्यू पॉइंट को चेक करना चाहूँ कि वो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे है, तो मैं उसको एक नाम देती हूँ ए का. पी पॉइंट पे जो वाई एक्सिस पे इसका फंक्शन का आंसर आ रहा है उसको मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स, और क्यू पॉइंट पे जो वाई एक्सिस पे फंक्शन आ रहा है वो एफ ऑफ ए कह देती हूँ. कि एक्स के क्रॉस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स है, जो ए के क्रॉस्पॉन्डिंग फंक्शन बन रहा है वो एफ ऑफ ए है. ये ग्राफ है ठीक है, जिसमें ये जो लाइन है ये कोई सी कर्व है, ये हमें एक कर्व मिल गया है. अब हमने इस कर्व पे स्लोप निकालनी है किसी एक पॉइंट पे. लेट्स सपोज मैंने पी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, उसका एक तरीका होगा. मैं इस ग्राफ की स्लोप अगर पी पॉइंट पे निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे, टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं स्लोप निकालूंगी. सेकेंड लाइन की सेकेंड स्टेप मैं लिमिट ले लूंगी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन की. फर्स्ट स्टेप क्या था कि मैं स्लोप सेकेंड लाइन की पहले स्लोप निकालूंगी, और सेकेंड स्टेप क्या था, मैं लिमिट ले लूंगी उसी स्लोप की. तो मेरे पास स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे भी मैं चेक करना चाहती हूँ, चाहे पी पे चाहे क्यू पे. तो अब सेकेंड लाइन क्या होती है, आप पूछेंगे स्लोप सेकेंड लाइन की क्या होती है. सेकेंड लाइन क्या होती है, अगर एक कर्व है आपके पास तो आपको पहले दो पॉइंट चूज करने पड़ेंगे. जैसे मैंने पी एंड क्यू कर लिया, इन दोनों पॉइंट को मिला के आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी. मैंने एक लाइन बना दी, अब इस लाइन के आप चेक करेंगे कि इस लाइन में जाहिरी बात है एक एक्स एक्सिस भी होगा, एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा, वाई कॉम्पोनेंट भी होगा. तो अगर पी पॉइंट है तो इसमें भी तो कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे देती हूँ एक्स और एफ एफ एक्स का. कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स था, एफ वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स था, क्यू का भी होगा इसी तरह एफ ऑफ ए
ए और एफ ऑफ ए होगा। अगर मैंने सेकेंड लाइन की स्लोप निकालनी है तो मुझे इसके अंदर रेशियो लेनी पड़ेगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की। तो अगर मैं अपने स्टेप टू स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर मैं स्टेप वन करूं, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूं इस डायग्राम को देखते हुए, अगर मैं सेकेंड लाइन का स्टेप वन करूं तो वो होगा स्लोप। तो स्लोप कैसे सेकेंड लाइन की निकलेगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसका मतलब जो y में चेंज आया और जो x में चेंज आया, अगर हम उसकी रेशियो ले लें तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी सेकेंड लाइन की। अगर मैं देखूं y में चेंज क्या आया है, तो पहले y था f ऑफ x, थोड़ी देर बाद y फंक्शन जो था वो आ गया f ऑफ a। तो अगर मैंने इसमें डेल्टा y निकालना है तो वो एक्चुअली f ऑफ a और माइनस f ऑफ x ही हुआ ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, f ऑफ a माइनस f ऑफ x। अगर मैंने डेल्टा एक्स निकाला है तो मैंने एक्स में चेंज निकाला है, तो एक्स पहले पॉइंट जो एक्स पे था वो एक्स था और सेकंड जो पॉइंट था वो ए था। तो अगर मैंने डेल्टा एक्स निकाला है तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, ए माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स की जगह लिख देती हूँ ए माइनस एक्स। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई किसकी, सेकेंड लाइन की। अब मैंने स्लोप नहीं निकालनी, मैंने स्लोप के बाद उसकी लिमिट भी निकालनी है, ताकि मैं किसी एक पॉइंट पे कर्व के किसी एक पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो स्लोप तो मैंने निकाली लेकिन दो पॉइंट्स की निकाली है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसी कंसेप्ट को एट आ पॉइंट, सो एक पॉइंट पे कन्वर्ट करना है। वो कब हो सकता है कि अगर मैं इसकी लिमिट लूँ, लिमिट कैसे लूँ, इसकी लिमिट इस तरह लूँ कि यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट है ये पी पॉइंट के इतना क्लोज हो जाए, इतना क्लोज हो जाए कि अपेरेंटली हमें लगे कि क्यू और पी पॉइंट एक ही हैं, एक हो नहीं जाएंगे। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि ये इतना इसके क्लोजर है, इतना इसके नज़दीक आ जाए ना कि ये एक ही लगे। तो जब एक लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्लोप कर्व की एट अ पॉइंट क्या है। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि पहले सेकेंड लाइन की स्लोप ले लें, फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट हमने अब अप्लाई क्या करनी है, सेकेंड क्वेश्चन तो ये बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये था ना कि लिमिट अप्लाई क्यों करनी है, अब लिमिट अप्लाई क्या करनी है। लिमिट अप्लाई क्या करनी है, हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास डिफरेंस है a माइनस x का, ये a x को अप्रोच कर जाए, a x को अप्रोच कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस x अप्रोच कर जाए जीरो को। a माइनस x क्योंकि ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि a x को अप्रोच कर जाए, तो मैं यहां से ये भी तो लिख सकती हूं a माइनस x अप्रोच कर जाए जीरो को। x अगर मैं एरो के साइड पे ले हूं तो a माइनस x हो जाएगा, a माइनस x अप्रोच कर जाए जीरो को। तो इन दोनों बातों का मीनिंग एक ही है कि a x को अप्रोच कर जाए, या फिर उन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस था वो डिफरेंस ख़त्म हो जाए, वो इतना क्लोज हो जाए ए एक्स के, इतना क्लोज हो जाए कि अप्रोच कर जाए जीरो को, कि उनका डिफरेंस जीरो हो जाए, वो लगे हमें कि एक ही पॉइंट है। मैं फिर से बात रिपीट कर रही हूँ, ये ए एक्स नहीं बन जाएगा लेकिन ए एक्स के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाएगा कि ये हमें दिखने में ये लगेगा कि एक ही पॉइंट है। सो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी हम टू स्टेप करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप था स्लोप का। अगर स्लोप की लिमिट निकालूँ, किस तरह निकालूँ, या तो आप कह दें कि ए एक्स को अप्रोच कर जाए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट a माइनस x अप्रोच कर जाए जीरो को। आप इन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैं ये चूज़ करने लगी हूँ क्योंकि मैंने इससे अपनी फॉर्मल डेफिनेशन बनानी है। तो अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट इसे मैं कहती हूँ a, इक्वेशन a पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट a माइनस x अप्रोच करेगी जीरो को, और हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ x ओवर a माइनस x। अगर हम लिमिट लें a की x को अप्रोच कर जाए, या फिर इनका डिफरेंस जीरो का अप्रोच कर जाए, इसका मतलब q p के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तो ये हमें दो डिफरेंट पॉइंट नहीं दिखेंगे, हमें ये एक ही पॉइंट दिखेगा। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व किसी पॉइंट पे हमने निकाल ली। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए इस फंक्शन की, लिमिट a माइनस x जीरो को अप्रोच करे और ये एग्जिस्ट भी करे, इसका मतलब कोई आंसर, डेफिनेट आंसर हमारे पास आ जाए, तब हम इस लिमिट को, इफ़ हम बात करेंगे इफ़ लिमिट एग्जिस्ट देन दिस लिमिट
इस एक्चुअली क्या होगी, ये लिमिट इस एक्चुअली डेरिवेटिव देगी हमें किस पे, इस पॉइंट पे a माइनस एक्स पे। तो अगर हम बात करें कि ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए इस फंक्शन की, तो ये हमें एक्चुअली में डेरिवेटिव ही दे रही है उस पॉइंट के ऊपर। अब मैं इस इक्वेशन को कह देती हूँ b का नाम दे देती हूँ। अब मैंने इस b इक्वेशन से डेरिवेटिव की डेफिनेशन डिराइव करनी है। अब आपने गौर से देखना, अगर इस डायग्राम में मैं ये कह दूँ कि यहाँ से यहाँ तक a तक एक डिस्टेंस था, यहाँ से x तक सेकेंड डिस्टेंस था, तो अगर मैं a माइनस एक्स करूँ, उसको नाम दे दूँ h का, कि ये जो स्मॉल डिफरेंस आया है a माइनस एक्स का जो आंसर है वो किसी h से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा बता के दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैंने इसको दोबारा बना दी ताकि आपको जो पॉइंट मैं समझाना चाहती हूँ मैं अच्छी तरह समझा सकूँ। a माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो a माइनस एक्स अगर मैं किसी नाम दे दूँ उसको h का, कि वो डिफरेंस जो है वो डेल्टा x भी आप दे सकते हैं, मैं दे रही हूँ h का, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जैसे बताया बनानी है, h का मैं नाम दे रही हूँ। तो मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज इस तरह भी तो कर सकती हूँ ना, कि अगर मेरे पास a माइनस एक्स एच के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ a की, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, a इज़ इक्वल टू एच प्लस एक्स। कैसे, a माइनस एक्स एच के इक्वल था, माइनस एक्स जब दूसरे साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव x पॉजिटिव x हो जाएगा, तो मैं यहाँ से a इज़ इक्वल टू एच प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ। अब मैं इसी इक्वेशन b में मैं कह सकती हूँ b इम्प्लॉयज लिमिट a माइनस एक्स एच की इक्वल, तो मैं यहाँ पे h अप्रोच टू जीरो लिख सकती हूँ। एफ ऑफ ए की जगह मैं a की वैल्यू h प्लस एक्स लिख सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, ओवर a माइनस एक्स की जगह फिर से h लिख सकती हूँ। मैंने ये क्या किया है, मैंने इसी फॉर्मूला को चेंज करके h की फॉर्म में लिख दिया, वो भी ठीक था ये भी ठीक है। लिमिट एच अप्रोच कर गया जीरो को, एफ एच प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम इसको नाम दे देते हैं डेरिवेटिव का। क्यों डेरिवेटिव का नाम देते हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन एक्चुअली में फंक्शन एच पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है ये बता रही है। सो असल में डेरिवेटिव भी तो यही था ना, कि मैं ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पॉइंट पे या नियर सम पॉइंट, कि फंक्शन किस तरह चेंज होता है, तो ये भी हमें यही बताई, तो हम इसको डेरिवेटिव का नाम दे देंगे। अब हम बनाते हैं यहाँ से डेरिवेटिव की फॉर्म और डेफिनेशन, जिसे आपने पेपर में लिखना है कि डेफिनेशन डेरिवेटिव की क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो h था वो मैं x के अकॉर्डिंग चेंज ले रही थी, तो मैंने इसलिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x लिखा है। अगर आप y के अकॉर्डिंग चेंज लेंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y लिखेंगे। अब y और x के अकॉर्डिंग चेंज क्या होता है, ये जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। सो अभी के लिए आप ये समझें, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज द फंक्शन f प्राइम whose value at x is limit h approach to 0 f of h plus x, इसे आप x plus h भी लिख सकते हैं, minus f of x over h f prime x। f prime x एक्चुअली में डिनोशन है जिससे हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी आपको डोनेशंस भी इन दोनों की जो डेरिवेटिव की जितनी भी नोटेशंस है वो भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे भी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड द लिमिट
एग्जिस्ट. सो मैं इसको पढ़ा देती हूँ. द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल एक्स इज एक्चुअली द फंक्शन एफ प्राइम हुज वैल्यू एट एक्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करेगा. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, उसको हम डेरिवेटिव का नाम नहीं देंगे. और मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देती हूँ अपने इस टॉपिक को, यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे. नोटेशंस किस तरह हम डेरिवेटिव्स को नोटेट करते हैं. अब हम देखते हैं कि लेबनीज की डेरिवेटिव की नोटेशन क्या थी और न्यूटन की डेरिवेटिव की नोटेशन क्या थी. लेबनीज डेरिवेटिव, अगर हमारे पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स, तो लेबनीज की जो नोटेशन होगी डेरिवेटिव की, ये एमसीक्यूज के लिए हैं क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं. तो हम लेबनीज की जो नोटेशन थी डेरिवेटिव की, वो किस तरह रिप्रेजेंट करता था, डी वाई ओवर डी एक्स या फिर डी एफ ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एफ ओवर डी एक्स, ये लेबनीज की नोटेशन थी. अगर लेबनीज अगर आप उनको पूछा जाए कि लेबनीज की डेरिवेटिव की नोटेशन क्या थी, तो आप बताएंगे डी वाई ओवर डी एक्स या फिर डी एफ ओवर डी एक्स. एक्स यहाँ पे वही वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपने चेंज चेक करना है. अगर वाई होगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, जी होगा तो जी आ जाएगा, तो आपने उसमें कन्फ्यूज नहीं होना. मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रही हूँ, इस वजह से मैंने एक्स के साथ उसकी एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही इसका डेरिवेटिव लिया है. न्यूटन की नोटेशन, अगर वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स कोई फंक्शन, न्यूटन डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता था एफ प्राइम से या फिर वाई प्राइम से. एफ प्राइम इसको रीड करते हैं या फिर वाई प्राइम, इसको हम प्राइम पढ़ते हैं. तो नोटेशन न्यूटन की थी एफ प्राइम या फिर वाई प्राइम, और लेबनीज की थी डी वाई ओवर डी एक्स या फिर डी एफ ओवर डी एक्स. अब हम चलते हैं अपने, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, डिफ्रेंसीशन. डिफ्रेंसीशन क्या होता है? अगर हम डिफ्रेंसीशन की डिफाइन करें, तो ये एक्चुअली में द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जिन प्रोसेस को यूज़ करके हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्रेंसीशन. कि हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, वो प्रोसेस डिफ्रेंसीशन कहलाएगा. उसका रिजल्ट एक्चुअली में डेरिवेटिव होगा. तो हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंसीशन का रिजल्ट डेरिवेटिव है. अदरवाइज डेरिवेटिव और डिफ्रेंसीशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. डिफ्रेंसीशन प्रोसेस है, डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है. ये था हमारा आज का टॉपिक, डेरिवेटिव एज ए फंक्शन क्या है. मैंने आज आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इसका बेसिक आइडिया दिया है कि डेरिवेटिव एक्चुअली में, हम डेरिवेटिव की अगर मैं डेफिनेशन डायरेक्टली दे दी, आपको पता भी ना चलता कि हम कहाँ से ले आए. तो मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को आपको बेसिक कंसेप्ट दिया है कि हम किस तरह उसकी डेफिनेशन बनाते हैं, हम किस तरह काम करते हैं, और हमें पता चलता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमने रेट चेक करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊँगी डेरिवेटिव का. बहुत एक वास्ट टॉपिक, हम डिफरेंट आर्ट इससे रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे. आज का इसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है. बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही डेरिवेटिव आगे समझ में आएगा. अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल. थैंक यू.